आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की एक बार फिर आपका स्वागत है। मडई मेले दीप पर्व के उपरांत बहुत धूम रहती है मडई मेलों की। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। मडई मेले जहां भरते थे वहां अब बसाहट हो गई है या निषिद्ध क्षेत्र हो चुके हैं अघोषित तौर पर, इसलिए मडई मेले अब कहीं ना कहीं दम तोड़ते नजर आए हैं। बालक के चेहरे पे मुस्कान देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वो मडई मेले का आनंद उठा रहा है। तरह तरह के झूले खेल खिलौने मिलते हैं मडई मेलों में, आप देख सकते हैं। यहाँ खाद्यान्न खाद्य पदार्थ भी तरह तरह के आपको खाने को यहाँ मिलते हैं। दीप पर्व के उपरांत मडई मेले की परंपरा बहुत पुरानी है। ये देखिए सिंघाड़े भी आपको दिख रहे होंगे दीपावली के उपरांत। भाई दूज के बाद मडई मेले आरंभ होते हैं। आधुनिक जीवन शैली में दम तोड़ती दिख रही है मडई मेलों की परंपरा। मडई मेले भरने के स्थान पर बसाहट हो चुकी है। परंपरागत पारंपरिक सामान व पौष्टिक खाद्य पदार्थ मडई मेलों में मिलते हैं। हर आयु वर्ग के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं मडई मेले। पारंपरिक मडई मेलों की परंपरा को सहेजने के लिए समाज के आलमबरदारों को आगे आना होगा। तरह तरह के झूले खेल खिलौने मडई मेलों में मिलते हैं। सिवनी के मडई मेलों का गौरवशाली इतिहास रहा है, इस बात की से इनकार नहीं किया जा सकता है। दीप पर्व के उपरांत मडई मेलों की परंपरा बहुत पुरानी है। दीपावली के उपरांत भाई दूज और भाई दूज के बाद आरंभ होता है मडई मेलों का दौर। यहाँ देख सकते हैं तरह तरह के खाद्य पदार्थ, यहाँ आपको कितने चटकारे लेकर एक यहाँ पर उम्रदराज व्यक्ति खाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ गर्मा गर्म आपको खाने की चीज़ें मिल रही हैं, धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा। बच्चे भी कितना लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ खाद्य पदार्थों का, खाद्य सामग्रियों का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास मराही माता मंदिर, मराही माता मंदिर में ये मड़ई भरी हुई है। और वैसे तो 11 तक ही मड़ई रहती है, पर 11 के उपरांत भी कई जगहों पर मड़ई मेले की परंपरा बहुत पुरानी है। चूँकि पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास मराही माता मंदिर परिसर से बंद कर दिया गया है वहाँ पर दीवार से, इसलिए इस मेले की, मडई मेले की वो गौरवशाली इतिहास जो रहा है वो आपको यहाँ वैसा दिखाई नहीं दे रहा होगा जैसा कुछ साल पहले यहाँ रहता था। तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, झूले तरह तरह के होते हैं। यहाँ देखिए आप सामग्रियाँ खरीद रहे हैं लोग आकर। मडई मेलों में रोजगार ग्रामीणों को मिलता है। और ये झूला देखिए कितना सुंदर, ये इस तरीके के झूले आज आपको शायद ही देखने को मिले। हाथ से झूला रहे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है इस काम में। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। पारंपरिक सामान पौष्टिक खाद्य सामग्री इन मडई मेलों में मिलती है और मडई मेलों की परंपरा बहुत ही पुरानी है। दीप पर्व के उपरांत दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भाई दूज होती है, भाई दूज के बाद मडई मेलों का और अहिरी नृत्य अपने आप में अद्भुत दिखाई देता है। और उनके जो साज बजते हैं, थालियां बजाते हैं, वो वाकई बहुत ही कर्णप्रिय होता है। ये देखिए फुग्गे और न जाने कितने तरह की सामग्रियां देखकर आपको लग रहा होगा आपको अपना बचपन, उम्रदराज हो रही पीढ़ी को बचपन याद आ रहा होगा कि किस तरह से वे मडई मेलों का आनंद लिया करते थे। सिवनी में मडई मेलों की परंपरा बहुत पुरानी है। देखिए कितनी सारी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। जो सामग्री आपको बाजार में नहीं मिल पाएगी वो सामग्री इन मडई मेलों में मिलती है। और विशेष रूप से ग्रामीण अपने हाथों से इसे तैयार करके लाते हैं। खेल खिलौने भी बच्चों के लिए मिलते हैं। बच्चों को यह इस तरह के मडई मेले में बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सर के ऊपर देखिए ये दो लाइट लगाकर, सींग लगाकर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह के यहाँ पर खिलौने भी रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। पालकों के साथ यहाँ पहुँचे बच्चे इसका बहुत आनंद उठाते नजर आ रहे होंगे।
मड़ई मेले वास्तव में बहुत ही लुभावने होते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ के लिए। अशोक सोनी की रिपोर्ट समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ में। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अशोक सोनी की रिपोर्ट, हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।